Thank you, everyone. Thank you very much. Ladies and gentlemen, boys and girls, छोड़ दीजिए सारे काम धाम और कबूल कीजिए मेरा सलाम. मैं शाहरुख खान शुरू करने जा रहा हूं. कौन बनेगा करोड़पति? और अभी भी एग्जाम्स का टाइम चल रहा है. मैंने सुना है फिल्म शोले अब स्कूलों में पढ़ाई जाएगी. टीचर्स चमड़े की बेल्ट लेकर क्लास में एंट्री मारेंगे और आते ही पूछेंगे कितने बच्चे हैं. बच्चे 30, टीचर 1 और तनख्वाह सिर्फ 500. बड़ी नाइंसाफी है. अटेंडेंस के बाद क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. चुन्नू, इतिहास के दो महारथियों के नाम बताओ. तो चुन्नू जवाब देगा, सर जय जी और वीरू जी. गुड. गब्बर सिंह के बारे में तुम क्या जानते हो? सर गब्बर सिंह जी महान कला प्रेमी थे. नाच गाने से उन्हें बड़ा प्यार था, इसलिए जब भी मौका मिलता था बसंती जी को नचा देते थे. लेकिन गब्बर सिंह जी गिनती में बहुत कमजोर थे, इसलिए सांबा से बार बार पूछते रहते थे कितनी गोलियां हैं इस पिस्तौल में भैया. वेरी वेरी गुड आंसर. बसंती की सुंदरता का क्या राज है? सर वो रामगढ़ की चक्की में पिसा हुआ आटा खाती थी. सही जवाब. और आज का आखिरी सवाल, शोले से हमें क्या सबक मिलता है? सर शोले से हमें यह सबक मिलता है कि जब मम्मी पापा कोई बात ना माने तो पानी की टंकी पर चढ़ जाओ, काम हो जाएगा. वेल ये बिल्कुल गलत जवाब है माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स. एग्जाम्स के दिन हैं, याद रखो जिंदगी में ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो पानी की टंकी पर नहीं सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ो. और मेरे सामने बैठे हुए हैं विशाल शाह, जो 40,000 की सीढ़ी पार कर चुके हैं और अब ये खेलेंगे 80,000 रुपयों के लिए. और इनके साथ आए हुए हैं इनके पिताजी मनीष शाह जी. कैसे हैं सर आप? बस फाइन. ठीक ठाक है. कैसा लग रहा है अब? अच्छा लग रहा है. और एक बात और, यहाँ पर आज बहुत मुबारक दिन है क्योंकि हमारे बहुत सारे फौजी भाई यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आप सबको हमारा बहुत बहुत सलाम. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. लेट्स हियर इट फॉर द आर्मी. कैसा लग रहा है विशाल? ध्यान से पढ़ रहे थे, कुछ नया सोच रहे थे इस खेल के बारे में? जी. क्या सोचा है? आगे जरा केयरफुली खेला है. सोच समझ कर खेलोगे. ओके, मैं अपने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के कंटेस्टेंट्स को बता दूं, आप भी केयरफुली खेलते रहिए क्योंकि अगर आप बहुत सारे सवालों के जवाब देंगे सबसे कम समय में जो देगा उसको 2,00,000 रुपए मिलेंगे. तो बहुत बातचीत हो गई, गेम शुरू करें. ओके, लेट्स प्ले. कौन बनेगा करोड़पति? सोच समझ कर 80,000 रुपए के लिए 7वां सवाल विशाल शाह बड़ौदा से. मिस्टर कंप्यूटर पेश किया जाए. ₹80,000. मार्च 2006 में बनारस का कौन सा प्रसिद्ध स्थल आतंकवाद का शिकार बना? तुम्हारी चॉइसेस हैं ए काशी विश्वनाथ मंदिर, मणिकर्णिका घाट, सी संकट मोचन मंदिर, डी दशाश्वमेध घाट. सी संकट मोचन टेंपल. पक्का मालूम? यस. फीस कर दूं? यस सर. ओके, सी संकट मोचन टेंपल. मिस्टर कंप्यूटर फ्रीज इट प्लीज. एंड यस, सी संकट मोचन इज द राइट आंसर. वेल डन. ऑन 7th March 2006 अ टेररिस्ट बॉम्ब एक्सप्लोडेड व्हाइल द ट्यूजडे आरती वाज इन प्रोग्रेस एट द संकट मोचन मंदिर. और आठवां सवाल है 1,60,000 रुपए के लिए. तैयार हो? यस सर. पेश करूं? यस सर. मिस्टर कंप्यूटर, मिस्टर कॉम्पैक्ट, आठवां सवाल पेश किया जाए. इनमें से कौन गलिवर्स ट्रेवल्स के एक बर्बर जीव के प्रजाति रेस का नाम है? ए फ्रैगल, बी वूस्टर, सी गूगल, डी याहू. गलिवर्स ट्रेवल्स पढ़ी है सर. तीन लाइफलाइंस बाकी हैं. 1,60,000 रुपए के लिए जवाब. क्या क्या मालूम है गलिवर ट्रेवल्स में से? सर गलिवर मालूम. गलिवर पता है, स्मॉल क्रीचर्स. स्मॉल क्रीचर्स का क्या नाम था? आई थिंक बिटवीन ए एंड बी, फ्रैगल और वूस्टर. फ्रैगल या वूस्टर? गूगल और याहू नहीं है. I'm not sure, sir. नहीं पता. क्या करना चाहोगे? सर फ्लिप द क्वेश्चन. क्वेश्चन बदलना चाहोगे? फ्लिप करना चाहोगे?
ओके मिस्टर कॉम्पैक्ट, विशाल शाह बड़ौदा से अपनी फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें यह ऑप्शन प्लीज दिया जाए। अगर जवाब देते तो क्या जवाब देते? वूस्टर, बी वूस्टर। वूस्टर जवाब देते हैं। मिस्टर कंप्यूटर, बी वूस्टर सही होता? डी याहू इज द राइट आंसर। इन जोनाथन स्विफ्ट्स बुक अ याहू इज अ वाइल एंड सैवेज क्रीचर, फिल्थी एंड विद अनप्लेजेंट हैबिट्स, रिजेंबलिंग ह्यूमन बीइंग्स फार टू क्लोजली। ये पढ़कर ऐसे लगता है मेरी बीवी मेरे बारे में बात कर रही है। बट अच्छा क्या तुमने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, इसको हम फ्लिप करते हैं। मिस्टर कंप्यूटर प्लीज इस सवाल को अलट पलट यानी फ्लिप कर दीजिए। रूम शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अमर्त्या सेन इनमें से क्या नहीं है? आपकी चॉइसेस हैं ए अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट, बी सांसद यानी पार्लियामेंटेरियन, सी लेखक यानी राइटर, डी प्रोफेसर। आई थिंक सर इट्स बी पार्लियामेंटेरियन। तुमको लगता है बी पार्लियामेंटेरियन? क्या करूं? सो फ्रीज कर दीजिए। पक्का? यस सर। कच्चा नहीं? नहीं। फ्रीज इट? यस सर। 1,60,000 रुपए के लिए है सही जवाब, और अगर गलत हुआ तो 20,000 रुपए और गेम भी खत्म। पल फ्रीज इट। यस सर। मिस्टर कॉम्पैक्ट, बी पार्लियामेंटेरियन, फ्रीज इट प्लीज। बी पार्लियामेंटेरियन इज द राइट आंसर। वेल डन, 1,60,000 रुपीज। वेरी गुड। पक्का पक्का लग रहा था कि थोड़ा बहुत ऐसा डाउट था? सर पक्का था। पक्का ही था, डाउट नहीं हुआ जब मैंने तुम्हारी तरफ घूर के देखा तो? सर थोड़ी घबराहट सी जरूर हुई थी लेकिन। ओके, मैं तुम्हारी घबराहट दूर करता हूँ और घर वालों को भी बोलता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, क्योंकि इस वक्त टाइम आ गया है आप लोगों से सवाल करने का। 2,00,000 रुपए जीतने का चांस है हमारे हर सीट हॉट सीट कॉन्टेस्ट के सवाल का, अगर आप जवाब देंगे। आज का सवाल है ये, हमारे राष्ट्रगान में इनमें से कौन सा शब्द नहीं है? आपकी चॉइसेस हैं वन विंध्या, टू कावेरी, थ्री उत्कल, फोर यमुना। अगर आपकी उम्र इस सवाल के बारे में सोचिए, और जल्दी से आइए और देखिए कि मैं और विशाल यहां पर कैसे घबराते नहीं हैं। प्लीज टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। मेरे साथ बैठे हुए हैं विशाल, जो बड़ौदा से हैं और 24 साल की उम्र है तुम्हारी। इतनी छोटी उम्र में इतना सारा पैसा, 1,60,000 रुपए तुम जीत चुके हो, 2 लाइफलाइन्स भी बाकी हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या करोगे अगर यहाँ से बहुत सारे पैसे जीत जाओगे तो? अपार्ट फ्रॉम वो केट विंसलेट वगैरह का तो अलग चक्कर है, लेकिन वैसे क्या करोगे अगर पैसा कमाओगे तो? इन्वेस्ट करूंगा, मल्टीप्लाई करने। गुजरात में सब लोग इन्वेस्ट ही करते हैं, मैंने नोट किया ये बात। हाँ तो लोग, और क्या करोगे अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट? ऑफ कोर्स मुझे पूछना नहीं चाहिए था, आप गुजराती हो तो इन्वेस्ट करोगे। फिल्म बनानी है बाद में सर। फिल्म भी बनाओगे जी?